हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका अंधकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो लैपटॉप है, कोई सा भी लैपटॉप होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है कि इसका जो बैटरी है वो ख़राब हो चुका है, जिसके कारण लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा है। तो हम आज लैपटॉप का जो बैटरी है उसको हम रिपेयर करना सिखाएंगे कि कैसे हम अपने लैपटॉप की बैटरी को रिपेयर कर कर अपना जो 3 या 4 हज़ार रुपया है वो हम बचा देंगे, बचा सकते हैं। क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं बैटरी लेने तो वहाँ पर काफ़ी महंगा मिलता है। अगर हम इस प्रोसेस से बैटरी को सही करें तो वो पैसा हमारा बच सकता है आराम से। और आपको एक दो बैटरी अंदर का जो भी ख़राब होगा उसको हम कैसे बदलेंगे, कैसे क्या करना है, इस वीडियो में देखिए, आपका 100 रुपये के अंदर में ही काम पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब हम यहाँ पर चालू करते हैं तो यहाँ पर एक LED ग्लो होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी LED ग्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम चार्जिंग लगा के भी देखेंगे चार्ज हो रहा है या नहीं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर लगा देते हैं, आप देख सकते हैं चार्ज दिखा रहा है कि चार्ज हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कि तुरंत चार्ज फुल हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब बैटरी डेड होता है, ख़राब हो जाता है, तभी ऐसा होता है, क्योंकि इसको चार्ज बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चार्ज फुल हो गया और बैटरी जो कि है काम नहीं कर रहा है, ना ओपन हो रहा है लैपटॉप। यहाँ पर क्लिक करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। LED भी देख सकते हैं। तो आपके सामने ही इसको हम सभी प्रोसेस करेंगे। इसका पहले हम बैटरी निकालेंगे और चेक करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। वीडियो में जो भी है सब कुछ आपको सही दिखाया जाएगा, या फिर भी हम एक निशान लगा लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि आप लोग वही कहें कि नहीं ये फेक है। तो हम रियलिटी आपके सामने लाएंगे कि बैटरी सही हो सकता है या नहीं। हम भी नहीं से कह सकते कि बैटरी सही हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि सही हो जाए और पैसा बच जाए। इसको ओपन करते हैं और लैपटॉप को अभी रखते हैं हम साइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो बैटरी है इसको ओपन करना है, और ओपन इस प्रकार करना है कि बैटरी ख़राब भी ना हो। अच्छे से खोलना है इसको आराम आराम से, तब किसी भी स्क्रू से आप आसानी से इसको खोल सकते हैं। अच्छे से खोलना है, आपके सामने ही हम खोलेंगे इसको। क्योंकि ये बैटरी जो है, बैटरी होता है इसको चिपकाया गया होता है, तो इसको हम इसी तरह आसानी से धीरे धीरे कर कर खोल लेंगे। ये जो बैटरी हमने लोकल बाद में लगवाया था वही है, ओरिजिनल बैटरी नहीं है। इसे किसी भी नुकीली चीज़ से आसानी से आप मतलब धीरे धीरे कर कर काटेंगे ताकि जो चिपका हुआ हो आराम से निकल सके। अभी हम भी जो इसका है बैटरी बहुत सा ओपन किए हैं, लेकिन वो सब तोड़ दिए हैं, डायरेक्ट ओपन नहीं किए हैं। अब एक देखिए खुला, बहुत आराम से करना पड़ता है, नहीं तो बैटरी जो है अंदर उस पर स्क्रू जो है लग जाता है, लग ही जाता है, क्या करेंगे अब। ये जो बैटरी होता है बहुत उसको अच्छे से चिपकाया गया होता है,
काफ़ी अच्छे से चिपकाया गया है। बैटरी ओपन हो चुका है, आपके सामने ही हमने कर लिया। फिर इसको हम लगा कर देख लेंगे कि लग सक जाएगा, ये आसानी से फिर लग जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे से निकलना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ आपको दिख रहा है, थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप कि जो बैटरी वाला है ये पूरी तरह से आपको डैमेज दिख रहा है। इस साइड का ये सब सही है, फिर भी हम चेक करेंगे इसको निकालने के बाद। यहाँ से निकाल लेते हैं बैटरी को। ये जो बैटरी है पूरी तरह से अच्छे तरह से निकल चुका है। अब हम एक एक बैटरी करके चेक करेंगे इसको। पहले जो बैटरी सही हो गया, काफ़ी हद तक ये डैमेज हो गया है। मल्टीमीटर अगर नहीं होगा आपको आपके पास, तो आप जाकर कहीं भी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर रिपेयर होता है कोई भी चीज़, वहाँ पर आपको मल्टीमीटर अच्छे से मिल जाएगा। इसको डीसी बोर्ड पर सेट कर लेंगे। इसके बाद जो है अच्छे तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर हम चेक करते हैं बैटरी वाला, ये देख सकते हैं अच्छी तरह से एकदम सही है बैटरी। और इसको देखेंगे, यही बैटरी जो है ख़राब है, कम से कम 2 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, यही बैटरी सही ख़राब है। अगर ये ख़राब है तो ये भी ख़राब होगा, दोनों साथ में ख़राब है। ये दोनों बैटरी चेंज करना पड़ेगा, चारों बैटरी चेंज करना पड़ेगा। चार बैटरी जो है ये सही है और ये ख़राब है और ये भी ख़राब है, तो ये साथ में ही चारों बैटरी चेंज होगा और हम आपके सामने ही चेंज करेंगे। इसके बाद टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो इसे चेंज करने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, हमने पुराने लैपटॉप जो बैटरी है, अगर आपको पुराना नहीं तो नया भी मिल जाएगा, 60 रुपये का, 50 रुपये तक भी मिल जाता है। अगर आपको पुराना लैपटॉप बैटरी मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप 100 रुपये के खरीद के लाइए। उसमें से 4 बैटरी, यहाँ पर जैसे 2 बैटरी निकला, कभी कभी पूरा बैटरी सही निकल जाता है, तो उससे आपका जुगाड़ हो जाएगा 100 रुपये के अंडर में ही। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसका, ये आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज सही है। और इसका वोल्टेज भी 4.6 है। तो ये 2 बैटरी तो हो गया। और यहाँ पर हम इसको सही करने के लिए इस चारों बैटरी को निकालना पड़ेगा पहले बाहर, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ से अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है, क्योंकि फिर यहीं पर हम सोल्डरिंग करेंगे इसको। सेंसर भी निकल गया आसानी तरीके से। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसी तरह ही कनेक्शन करना है, कोई भी तार उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। टेप को हम हटा लेंगे। ये जो वायर यहाँ पर गया है आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कट कर लेंगे। याद होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ही लगेगा। ये हो गया, आपको इसी तरह से बैटरी बना लेना है। ये जो ऊपर का साइड माइनस है और नीचे प्लस, फिर उसके बाद यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस है, तो इसी तरह हमें बना लेना है जिस प्रकार हम निकाले हैं। इसको इसी तरह रहने देंगे ताकि इस पर हम सोल्डिंग कर सकें। दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए हमने एक दूसरा बैटरी खोला है। ये बैटरी यही है,
इसी प्रकार का निकल गया है। लेकिन हम एक बैटरी ये भी हमने ओपन कर लिया है, पुराना बैटरी जो कि 100 रुपया के लाए थे, 100 रुपया का मिला था मार्केट से, जहाँ पर ओल्ड लैपटॉप की बैटरी मिलता है, मिलता नहीं है, जहाँ पर लैपटॉप रिपेयर होता है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। 100 रुपया का एक बैटरी देते हैं आपके यहाँ, हो सकता है इधर उधर हो प्राइस। इसको हम ओपन कर लिए हैं ताकि आपका समय बच सके। आपको बताया तरीका, या तो आप नए ला कर लेकर आइए बैटरी, या फिर आप इस तरह से जैसे हम ओपन किए हैं इस तरह से आप पुराना बैटरी में से निकाल सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कितना बैटरी सही निकलता है, इसके बाद उसी तरह से जुगाड़ बनेगा इसका। इसको आपके सामने ही ओपन करेंगे। बाकी और इसमें जो है वायर से ही कनेक्शन किया गया है, इसको हम निकालेंगे और टेस्टिंग करेंगे पहले बैटरी कितना सही है इसका। ये सिस्टम बहुत अच्छा लगाया गया है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं बैटरी है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है, इसे वोल्टेज दिखा रहा है 2.75, यानी ये बैटरी सही है। अगले में भी दिखा रहा 3.10, और इसके बाद में यहाँ पर भी देख सकते हैं 2.8, यानी कि जो भी बैटरी है ये 100 रुपये में बैटरी, पुराना बैटरी लाया और 6 का 6 सही है, यानी कि 100 रुपये में 6 बैटरी मिल गया हमें। इसका BMS ख़राब है, सीधी सीधी बात है, तभी इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है या नहीं। बैटरी को तो ओपन कर दिए हैं क्योंकि हम पुराना बैटरी लाए थे मार्केट से। यहाँ पर इसका जो होता है ये ग्राउंड होता है, लिखा है यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी कि जो ये है इसका BMS ख़राब है। तो हमें BMS से कोई मतलब नहीं है, हमें बैटरी से मतलब है ताकि अपना लैपटॉप की बैटरी सही हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं 8 वोल्ट आ रहा है, बैटरी डिस्चार्ज है, इसको हम फुल कर देंगे आराम से, फुल जो है चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 बैटरी को 4 बैटरी को निकाल लेते हैं पहले। इसी तरह से हमें निकालना है जो हम बताए थे आपको, ऊपर माइनस रहेगा और नीचे प्लस। तो यहाँ पर देखना है ऊपर माइनस है या नहीं, इसको हटाते हैं ब्लैक वाले को, और ऊपर यहाँ पर प्लस है तो हमें ये वाला हिस्सा लेना होगा। इसका जो 2 बैटरी है एक्स्ट्रा बच गया, इसको हम साइड डालेंगे और हमें केवल ये चाहिए, इतना से काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है उसी प्रकार कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसी तरह हमें सोल्डिंग कर लेना है। यहाँ पर इसका हटा देंगे पहले ऊपर से, बहुत सावधानी से काम करना है ताकि चोट ना लगे। इन दोनों को कनेक्शन करना है, आप अपने हिसाब से कनेक्शन इसको करवा लीजिए, या आपको जानकारी है तो आप भी कर सकते हैं कनेक्शन, आसानी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह निकाले थे इसी तरह हम इसको फिर लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह था उसी तरह है। यहाँ पर जो है इसका सेंसर लग जाएगा और यहाँ पर एक सेंसर लग जाएगा। पहले एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं, अभी बैटरी सही हुआ या नहीं। आप कोशिश करिएगा कि इसको चार्जिंग जो बैटरी है वो फुल कर लीजिएगा अलग से लगाकर, पावर सप्लाई से या किसी भी चार्जर से पूरा 4 वोल्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे इसको चार्ज फिर करना पड़ेगा। अभी केवल आपको दिखाने के लिए हम इसमें चार्ज पर नहीं लगाए थे, बाकी इसी तरह हम कर दिए हैं कनेक्ट। एक बार हम पूरे बैटरी को चेक कर लेते हैं, इसको साइड हटाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 9.69, जब इसको चार्ज कर देंगे तो 12.6 आएगा पूरा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं,
फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज न देने का एक कारण भी हो सकता है कि 9.6 इसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मालूम होगा कि ये वोल्टेज आएगा या नहीं। तो बैटरी को हमें पहले चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करने के बाद ही मालूम होगा कि इसमें वोल्टेज आएगा नहीं। तो चार्ज करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। यह बैटरी जो है चार्जिंग हो चुका है। चार्जिंग होने के बाद एक प्रॉब्लम और आया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्जिंग हुआ है वो 11.18 है। लेकिन यहाँ पर जो BMS है वो आउटपुट नहीं दे रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो BMS में है। अगर आप लैपटॉप की बैटरी रिपेयर करते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम होता है अगर BMS में, तो फिर आपको नया बैटरी ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर बैटरी ख़राब था, बैटरी हमने चेंज किया, लेकिन बैटरी चेंज करने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका BMS ख़राब है। अगर BMS सही होता तो बैटरी सही हो जाता, लैपटॉप में लगाते हैं लैपटॉप स्टार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर BMS ही ख़राब है तो कोई मतलब नहीं है इसका बैटरी लगाने से। लेकिन हम एक बार ये लगा कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि अगर BMS सही होगा तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर BMS ख़राब रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर नया बैटरी ही लेना पड़ेगा। तो पूरा मिलाकर देखा जाए तो इसका BMS ख़राब है। अब BMS ख़राब होगा तो फिर बैटरी नया लगाना पड़ेगा। जब तक BMS सही था तब तक सही था, बैटरी चेंज करने के बाद भी वही हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसलिए ये जो था एक्सपेरिमेंट था कि हाँ इसके लैपटॉप को बैटरी में अगर रिपेयर किया जाएगा तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा लेकिन BMS ठीक रहेगा तब। अगर BMS ख़राब है तो नहीं किया जा सकता सही इसको। एक बार आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं, अगर BMS सही रहेगा तो ठीक है काम हो गया, अगर BMS ख़राब रहेगा तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। ये टेस्ट हो गया। अगर इसी प्रकार हम एक और बैटरी सही करना चाहेंगे, ये डेल वाला बैटरी जो है डेल का, इसको ठीक करके अगर देखते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम टेस्ट करा दे रहे हैं आपको जुगाड़ से टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका लैपटॉप तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम यहाँ यहाँ लगाकर चेक करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे मल्टी मीटर यह है और यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज आ रहा है 2.09, यानी देखा जाए तो इसका BMS सही लग रहा है 2.09। बैटरी काफ़ी हद तक सही लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 11.1 वोल्ट 48 वाट। इसको ओपन करते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें BMS ही प्रॉब्लम है या बैटरी प्रॉब्लम है। इसको ओपन करते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। ये डेल का बैटरी है ओरिजिनल। यहाँ पर देख सकते हैं सील भी नहीं कटा हुआ है इसका भी। तो इसका हम तोड़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 4.0 एम्पियर लिखा है, 4.26 एम्पियर। तो यहाँ पर बैटरी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, ओरिजिनल का जो पैकेजिंग होता है अच्छे से होता है। इसको हम निकालेंगे। हम पहले एक बार चेक करेंगे यहाँ पर क्या पोजीशन है, यहाँ पर आ रहा है या लाइट नहीं आ रहा है।
तो हम डायरेक्ट चेक करते हैं इसे पीछे से, मल्टीमीटर यहाँ रख लेते हैं और यहाँ से एक बार टेस्टिंग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 इसी तरह वोल्टेज आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं बैटरी को, एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पर पहला बैटरी चेक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3.57, ये वोल्ट बैटरी सही है। और बीच वाला देख लेते हैं, इसी में देखिए ये जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं, ये भी सही है 3.57, ये भी सही है। और लास्ट वाला देखते हैं 3.57, ये भी सही है। इसका 1, 2, 3 सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसका BMS, इसका BMS ख़राब होगा, क्योंकि 3.5 अगर हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 5, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 10.5 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको 10.73 वोल्ट, यहाँ इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है केवल हमारा 3 वोल्ट तक दिखा रहा था, अब 2.13, यानी पूरा मिलाकर अगर देखा जाए प्रॉब्लम BMS का है। इसको भी हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसका BMS ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि BMS मिलता नहीं है। ये भी हो गया, हमारे पास एक और बैटरी है, इसको भी हम ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसका BMS सही है कि नहीं। अगर BMS सही होगा तो ही इसका रिपेयर हम कर सकते हैं, वैसे नहीं। इसका वोल्टेज चेक लेते हैं अपने, देख सकते हैं इसमें कोई भी शो नहीं हो रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें देख सकते हैं इसका बहुत बुरा हाल हो गया है, बाकी सब बैटरी सही लग रही हैं लेकिन इसका बुरा हाल है। ये सब लोकल लोकल कंपनियाँ हैं, लोकल बनाते हैं अपना। इसी मोटर बैटरी का चेक करते हैं, इसमें देखते हैं 3.2 वोल्ट आ रहा है। एक एक बैटरी अगर हम चेक करें यहाँ से 1.53, फिर यहाँ से यहाँ तक 1.47, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ख़राब है। यहाँ पर जाहिर सी बात है एकदम नहीं आएगा कुछ ही वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज है। इसको हम दूसरे बैटरी में लगा कर भी हम टेस्टिंग करेंगे तुरंत, ताकि ये मालूम हो जाए कि ये BMS कैसा है, ठीक है या ख़राब है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, एक बार देख लेते हैं इसका BMS सही है कि नहीं, वोल्टेज दिखाएगा। पहले टोटल वोल्ट देख लेते हैं, टोटल 11.18 आ रहा है, और हम यहाँ भी BMS चेक कर लेते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी कि BMS ही अधिकतर प्रॉब्लम है। हमने जितने बैटरी खोला ओपन किया सभी का BMS ही खराब निकला, बैटरी भी ख़राब है BMS भी ख़राब है। तो दोस्तों वीडियो देखे होंगे आप, ये हमने लैपटॉप का बैटरी इतना था, सभी आपको चेक करा के दिखाया, इनमें से किसी का भी BMS सही नहीं निकला। बैटरी सही निकला, कुछ बैटरी ख़राब भी निकले, लेकिन BMS सही नहीं निकला। अब इसका जो लैपटॉप था ये वाला बैटरी टेस्टिंग किए, लेकिन इसका भी BMS ख़राब निकला, जिसके कारण हम इसमें लगा नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आपको नया ही बैटरी लगाना पड़ेगा। अगर BMS सही निकलता है तो ही आप इसको सही कर पाएंगे, तभी लैपटॉप का बैटरी रिपेयर हो पाएगा।
आपके सामने इतने सारे बैटरी हमने ओपन किया और सही करने का प्रयास किया, लेकिन अगर सही बात यही है कि BMS ख़राब होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो बैटरी एक ओपन किए थे हम, आप देखे थे, ये भी ओरिजिनल बैटरी, जो कि ये सैमसंग का बैटरी है, ये जितने भी बैटरी लगे हैं सैमसंग का है, ये सबसे बढ़िया बैटरी होता है, बेस्ट माना जाता है, इसका जो बैकअप होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये सब बैटरी आप देखें, बैटरी हम एक भी बैटरी सही नहीं हो पाया है। बैटरी हमने काफ़ी ओपन किया, लगभग 4-5 बैटरी ओपन कर दिया, लेकिन कोई भी सही नहीं हो पाया, क्योंकि उसका BMS ही ख़राब था, इसलिए बैटरी को सही कर पाना मुमकिन नहीं था। तो आज के वीडियो में आपने देखा और सीखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और बने रहिए फिर आगे आने वाले समय में नए नए काउंटिंग आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।